देखो जब हम बल्किंग करते हैं एंड बल्किंग के बाद जब हम कटिंग करते हैं दोबारा, तो उस टाइम हमारा फैट के साथ साथ मसल भी लूज होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 7 टिप्स शेयर करूंगा जो अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस के दौरान फॉलो करते हो तो एट द सेम टाइम आपका फैट भी लूज होगी और मसल भी सेफ रहेगी। और मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ ये वीडियो देखने में जो भी आप कीमती टाइम मुझे दे रहे हो वो आपका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने दूंगा। नंबर वन, कैलोरी डिफिसिट। देखो जब हम फैट लॉस या वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लंबे टाइम तक कैलोरी डिफिसिट डाइट फॉलो करने लगते हैं। देखो जब आप लंबे टाइम तक कैलोरी डिफिसिट डाइट फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाती है एंड साथ ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, जिससे आपका मसल लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होती है। बहुत टाइम तक कैलोरी डिफिसिट डाइट फॉलो करने से आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देती है, जैसे मूड स्विंग होना, सही से नींद ना आना, एनर्जी लेवल के कम होना, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होना एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से आपको 6 to 8 week कैलोरी डिफिसिट डाइट फॉलो करने के बाद आप 1 to 2 हफ्ता मेंटेनेंस कैलोरी पे आ जाओ। नंबर टू, क्रिएट ए बैलेंस डाइट। देखो जब हम फैट लॉस या वेट लॉस करते हैं तो उस टाइम हमारा डाइट एक सही पॉइंट पर होना बहुत जरूरी है। साथ ही तुम पूरे दिन भर जो भी मील खा रहे हो हर एक मील को ट्रैक करके खाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम कितने प्रोटीन एंड कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर तुम अपनी मील को ट्रैक करके नहीं खा रहे हो तो हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कैलोरी डेफिसिट में हो, लेकिन एक्चुअल में तुम कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो ही नहीं कर रहे हो, जिससे तुम्हें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कोशिश करो जो भी मील तुम पूरे दिन भर खा रहे हो हर एक मील को ट्रैक करके खाने की, ताकि तुम्हें फैट लॉस या वेट लॉस में जल्दी रिजल्ट देखने को मिले। और ये सब मील को ट्रैक करने के लिए तुम माई फिटनेस पॉल या हेल्दी फाई ऐप यूज कर सकते हो। एंड डाइट की बात चली रहे है तो आपकी डाइट में गुड फैट होना भी बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि फैट लॉस या वेट लॉस के चक्कर में लो फैट डाइट पर चले जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि फैट खाने से बॉडी फैट परसेंट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखो ऑप्टिमल हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी पर गुड फैट होना बहुत जरूरी है, और टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिवली इफेक्ट होती है। तो फैट लॉस करते टाइम भी आपके टोटल कैलोरीज में 15% या 20% गुड फैट होना चाहिए। एंड गुड फैट के लिए तो मैं अपन नट्स एंड सीड्स लाइक आलमंड, सिया सीड, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड वेलनट्स, ये जो नट्स एंड सीड्स होते हैं इनमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ फैट, साथ ही इसमें एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई, B6 एक्सेट्रा। और साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं जो खासकर आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें होते हैं हाई डाइटरी फाइबर जो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये आपको पूरे दिन भर फुलनेस बना के रखती है, जिससे आपको भूख कम लगेगी, आप इजीली कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर पाओगे, जिससे आप बहुत ही जल्दी फैट लॉस कर पाओगे। नंबर फोर, स्टैंड ट्रेनिंग। क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मसल ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से आपकी लीन मसल टिश्यू प्रिजर्व रहने में आपको हेल्प मिलती है। तो तुम अपनी वर्कआउट शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ज्यादा मसल फाइबर एक्टिव होते हैं और तुम्हें फैट लॉस करने में भी हेल्प होती है, और साथ में आपकी मसल भी मेंटेन रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते रहते हो तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो हो जाती है, और जिसकी वजह से आप बिल्कुल लो एनर्जी फील करते हो। बस इस टाइम आपको ध्यान देना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाने में, जिससे आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी रहेगी। तो आप फैट लॉस करते टाइम अपनी वर्कआउट शेड्यूल में 4 to 5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जरूर रखें। नंबर फोर, डू कार्डियो इन राइट अवे। जब आप फैट लॉस करते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि आप जितनी ज्यादा कार्डियो करोगे उतनी जल्दी आपकी फैट लॉस होगी। देखो जब आप फैट लॉस करने के लिए हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हो उस टाइम आपकी बॉडी फैट के साथ साथ मसल भी लूज करती है एज ए फ्यूल, यानी कि आप फैट के साथ साथ मसल भी लूज कर रहे हो। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कार्डियो रोज करो, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर करो, ताकि आपका फैट भी लूज हो और सेम टाइम आपका मसल भी सेफ रहे। एट ए फ्यू सप्लीमेंट, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट आपकी मसल को प्रिजर्व रहने में हेल्प करती है जब आप फैट लॉस डाइट फॉलो करते हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो व्हाई प्रोटीन ऐड करना आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस होगा, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल और ये आपकी मसल को प्रिजर्व रहने में भी हेल्प करता है। और फैट लॉस के दौरान आपकी प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई होना चाहिए, जैसे 1.5 या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप कंज्यूम कर सकते हो। व्हाई प्रोटीन आपके प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करने में भी हेल्प करेगी, और जब आप इनफ प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपकी जो मसल लॉस होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ आप BCAA भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि BCAA में होता है एसेंशियल एमिनो एसिड जो आपकी मसल रिकवर एंड रिपेयर होने में हेल्प करती है जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हो। तो आप यहाँ पर और एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, वो है L-ग्लूटामाइन, जो आपकी कोर्टिसोल लेवल को ब्रेक करता है और आपको कैटाबॉलिक स्टेज में जाने से रोकता है। तो फैट लॉस जाने के दौरान डाइट और वर्कआउट के साथ साथ अगर आप इन सप्लीमेंट को ऐड करते हो तो आपकी मसल सेफ रहती है। नंबर 7, बल्किंग और कटिंग। देखो अगर तुम एक नेचुरल लिफ्टर हो तो बल्किंग और कटिंग वाला जो प्रोसेस है ये तुम्हें मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखो जब तुम बल्किंग करोगे एंड दोबारा जब कटिंग करने जाओगे तो फैट के साथ साथ मसल भी लूज होता है, चाहे आप मानो या ना मानो।
साथ ही तुम्हारा बजट भी बहुत टाइट है, हाई प्रोटीन प्री वर्कआउट BCAA तुम कुछ भी एफोर्ट नहीं कर सकते। उस टाइम और भी मुश्किल होता है जब आप प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं कर पाते हो फैट लॉस के टाइम। तो मेरे हिसाब से आप हमेशा स्मॉल कैलोरी सरप्लस पे रहो ताकि बॉडी पर बहुत ज्यादा फैट भी ना आए और सेम टाइम मसल भी बिल्ड हो। सिंपल भाषा में बोले तो तुम्हें लीन बल्किंग करना चाहिए। आप लीन बल्किंग करते हो तो तुम्हारा जो बॉडी फैट परसेंट है वो 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय द प्रोसेस। तुम अपनी पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी बना के रखो, तुम्हें बिल्कुल रिजल्ट दिखने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में। अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर।